वेलकम फ्रेंड्स, ये सीटी का जो पेपर हुआ था इसमें ये इस्लामियात और उर्दू का सेक्शन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि इम्तिहान दिया गया फेल की कौन सी किस्म है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, फेल मजहूल। 77 नंबर क्वेश्चन इसमें है, ज़ीफ व नातवानी से क्या मुराद है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है, कमजोरी। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन इसमें है, इमकान से इमकानात इसम की कौन सी किस्म है। तो ये इसमें जमा है। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। 79 नंबर क्वेश्चन इसमें है, इलाज बिल दवा से क्या मुराद है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है, दवा से इलाज। क्वेश्चन नंबर 80 इसमें है, उर्दू के किस शायर ने नौजवानों को शाहीन से तशबीह दी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, मेरे ख्याल में आप सब लोगों को पता होगा। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट ऑप्शन, इकबाल ने। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है वो इस्लामियात का मेरे ख्याल में पोर्शन है। ठीक है, इस्लामियात का पोर्शन है अगला क्वेश्चन जो इसमें होंगे। तो इसमें 81 नंबर क्वेश्चन है वो है, नबी के मायने है। तो इसके मायने है ऑप्शन नंबर ए, आप देख लीजिए सर, खबर देने वाला। तो ये करेक्ट ऑप्शन है इसमें। 82 नंबर क्वेश्चन इसमें है, तौहीद के लगवी मानी है। तो तौहीद के लगवी मानी है अल्लाह ताला को एक मानना, मतलब एक मानना, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है 83 नंबर, तौहीद की जिद क्या है, मीन अपोजिट क्या है। जिद का मतलब है अपोजिट। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आप देख ले, शिर्क, शिर्क करेक्ट ऑप्शन है इसमें। 84 नंबर क्वेश्चन इसमें है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के किस नाम या वसफ पर कुरान मजीद की एक सूरत का नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी आप देख ले, मोहम्मद, मोहम्मद कुरान मजीद में एक सूरत है। ठीक है, तो आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो था वो भी मोहम्मद है, और मोहम्मद कुरान मजीद में 4 दफ़ा आया है। आप याद रखें, 4 दफ़ा मोहम्मद का नाम आया है और 1 मरतबा अहमद का नाम आया है। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, आप ये याद कर लें। ठीक है, तो 85 नंबर क्वेश्चन इसमें है, कुरान मजीद का एक नाम अल्फुरकान है जिसके मानी डैश है। तो आप ऑप्शन नंबर बी को देख लें, हक व बातिल में फ़र्क करने वाली किताब। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी, हक व बातिल में फ़र्क करने वाली किताब को अल्फुरकान कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अगला जो क्वेश्चन है वो है 86 नंबर का। ठीक है, अल्तोयब का मानी क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है, पाक, तो ये पाक कहते हैं पाक को। 87 नंबर क्वेश्चन इसमें है, अकीदा के मायने है। तो अकीदा के मायने ऑप्शन नंबर सी देख ले, ग्रह लगाई हुई चीज़। 88 नंबर क्वेश्चन इसमें है, जन्नत के दरवाज़ों में से एक का नाम डैश है जिससे सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बाबू सयाम इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी बाबू रियान इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन इसमें है, कुरान मजीद की कौन सी सूरत है जो एक तिहाई कुरान के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है, सूरह इख़लास। 90 नंबर क्वेश्चन इसमें है, नबूवत का सिलसिला किस नबी से शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हुआ। ठीक है,